नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर बात करी जाए मध्य प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा अगर कोई मुश्किलों में नजर आ रहा है तो वो है शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि कार्यकर्ताओं के नाराज होने की खबरें अब सामने आ रही हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से सिंधिया उन्हें लगातार कड़ी टक्कर दे रहे थे, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कमलनाथ हैं जो कांग्रेस पार्टी में है और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो पूरे एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब तमाम तरह के जो नियम कानून है वो भी बीजेपी बदलती हुई नजर आ रही है, जिसमें ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री बदलने का फॉर्मूला जो है वो बीजेपी के लिए काफी कारगर साबित होता है। अगर गुजरात की बात करी जाए तो वहां पर भी ऐसी तमाम चीजें होती हुई नजर आई। 40% टिकट काटने का भी फॉर्मूला बीजेपी को एकदम सूट करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या एंटी इनकंपेंसी से बचाने के लिए, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को हटाने के लिए, और अगर कैबिनेट की बात करी जाए तो अभी उसमें फेरबदल होना चुनाव से पहले बाकी है। तो ऐसे तमाम चीजों को अगर देखें तो क्या यही माना जाए कि मोदी शाह जो है वो अब शिवराज सिंह चौहान को हटाकर सिंधिया को जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश को संभालने की हो सकती है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए कदम ताल तेज कर दी है। एक तरफ जहां नेताओं को हिदायत दी जा रही है, वहीं शिवराज सिंह सरकार के मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में भी बदलाव करने की तैयारी हो चुकी है। राज्य में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि चुनाव मुकाबले वाले होंगे, यानी कि दोनों के बीच की जो लड़ाई होगी वो काफी कड़ी होगी, लिहाजा जमीनी तैयारी में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। उनकी कोर कमेटी की बैठक शनिवार को हुई थी और इस पर चर्चा हुई कि आने वाले वक्त में चुनाव में जीत कैसे हासिल की जाए। कोर कमेटी की बैठक के बाद रविवार को एक बार फिर से जो है संगठन पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी बीजेपी कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि कार्यकर्ताओं के साथ आमजन की भावनाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। इतना ही नहीं, कई इलाकों में से अगर बात करी जाए मंत्रियों के खिलाफ शिकायत आ रही थी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की शिकायतों को संगठन ने गंभीरता से लिया है, साथ ही ये भी संकेत दिया है कि जिन मंत्रियों को लेकर नाराजगी है उनके प्रभार वाले जिलों में बदलाव किया जाएगा। बता दें कि साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी अपनी जीत की योजना में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी बखूबी जानती है कि यदि कार्यकर्ता नाराज हो गया तो उसका जीतना कितना मुश्किल हो जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए मंत्रियों के जो कैबिनेट में जिस तरीके से उन्हें जगह दी गई थी उसमें बड़ा फेरबदल हमें होता हुआ दिखाई देगा। बीते दिनों हमने आपको बताया था कि सिंधी समाज जो है वो फिलहाल नाराज नजर आ रहा है और लगभग 1,00,000 सिंधी लोगों ने कहा है कि हम जो अपना वोट है वो बीजेपी को ना देकर कांग्रेस को देंगे। ऐसे में ये माना जा सकता है कि बीजेपी तमाम सिंधी समाज को मनाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर जो भी सोचना हो, राय प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।